जल संस्थान की लापरवाही के चलते नगर की जनता गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर है, जिसका विरोध करते हुए बुंदेलखंड विकास सेना ने प्रदर्शन किया। ललितपुर की स्थानीय कंपनी बाग में बुंदेलखंड विकास सेना ने विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में पेयजल संकट को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि जल संस्थान की लापरवाही और घोर संवेदन शून्यता की वजह से शहर में महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर ने कहा, जिला ललितपुर सिटी ऑफ डैम होने के बावजूद शहर में पीने के पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। गोविंद सागर बांध के माध्यम से शहर में पीने के पानी की सप्लाई की जाती है, जहां पानी की क्षमता पर्याप्त होने के बावजूद शहर में ठीक से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, और जो भी कुछ भी थोड़ी बहुत पानी की सप्लाई होती है तो उससे नालों में गंदा काई युक्त बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के हर घरों के नलों से पानी गायब है। सुबह होते ही पूरे शहर में पानी के लिए हाहाकार मच जाती है। विकास सेना ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है, स्वच्छ पेयजल की निर्बाध रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जहां जल संस्थान के पाइपलाइनों में सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहां पर टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में बुंदेलखंड विकास सेना उग्र आंदोलन छोड़ने के लिए बाध्य होगी। धरना प्रदर्शन शिव प्रसाद श्रोत्रिय, कदीर खां, अमर सिंह, मुन्ना त्यागी, ब्रजेश पारसर, अमित जैन, विनोद साहू, रवि रखवार, वीरेन कुमार आदि लोग शामिल रहे। अंत तक डूबे जो स्वयं गंदगी में स्वच्छता के वह निरीक्षक बन गए हैं, ये दो लाइनें हमने नगरपालिका के संदर्भ में कही हैं। नगरपालिका मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कल्पना से परे। कोरोना में भी जो व्यक्ति मर रहा, हजारों लाखों रुपए जिस परिवार के खर्च हो रहे और नौजवान बच्चे जा रहे, उसमें भी मृत्यु सर्टिफिकेट में भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, कल जिस तरीके से भ्रष्टाचार में व्यक्ति पकड़ा गया नगर पालिका का, ये छोटे छोटे जो फुटपाथी दुकानदार हैं उन लोगों से ये लोग रिश्वत ले रहे हैं, उन लोगों से पैसे अवैध उगाही कर रहे हैं। इनके बड़ी लंबी एक जाँच कराई जाए और नगर पालिका के निरंतर कोई भी ऐसा कर्मचारी अधिकारी नहीं है जो भ्रष्टाचार में नहीं डूबा हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो भी इनके पीछे रैकेट काम कर रहा हो भ्रष्टाचार का नगर पालिका में, वो सबके नाम पब्लिक के बीच में उजागर होने चाहिए। ललितपुर से अशोक सेन की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टेक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांडा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।